हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी फ्रेंड रजनी सचदेवा, जो मैं लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए, सबके लिए कुछ सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ और करती रहती हूँ, जिससे कि जिंदगी में सब बहुत आगे बढ़े। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल हासिल किया, हमारे इंडिया का नाम रोशन किया। तब की देखो, उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई, उसके बाद भी उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस नहीं गिराया और उनके पापा उनको कॉन्फिडेंस में रखते हुए उनको निशानेबाजी में आगे इतना बढ़ाया। ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि इंसान में हर कुछ करने की दम होती है, हर कुछ करने की ताकत होती है, बस हमें एक माचिस की तीली जलानी होती है उसका हुनर बाहर निकालने के लिए। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक बार क्या होता है, एक बेटा स्कूल से वापिस लौटता है और अपनी माँ को एक लेटर देता है और कहता है कि माँ ये लेटर देखो, मेरी टीचर ने आपके लिए दिया है। उसकी माँ वो लेटर खोलती है तो उसमें बेटा पूछता है बड़े इनोसेंट होके कि माँ इस लेटर में क्या लिखा है। तो उसकी माँ लेटर बंद करती है और कहती है कि बेटा इसमें लिखा है कि तुम इतने बुद्धिमान हो, तुम इतने होशियार हो, तो टीचर ने लिखा है कि तुम्हारा बेटा इतना होशियार है, इतना होशियार हमारे कॉलेज में कोई टीचर ही नहीं है जो आपके बच्चे को पढ़ा पाए, तो इनकी व्यवस्था आप अपने घर में कर दो। तो वो बोलता है कि ठीक है। और बहुत समय बीत जाता है जब उसकी माँ का देहांत होता है और बेटा जो एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन चुका होता है, जब वो वापस लौटता है, माँ का अंतिम संस्कार करता है, पुराने घर में जाता है, तो वो माँ के ड्रॉर में से कुछ सामान ढूंढ रहा होता है तो उसे वो लेटर मिलता है और वो लेटर पढ़ता है तो उसमें ये लिखा होता है कि जो तुम्हारा बेटा है वो बहुत बुद्धू है, हम उसे कैसे ना करके डांट के, धमका के सब कुछ कर चुके हैं लेकिन आपका बेटा कुछ समझता ही नहीं, बाबा आप ही इसकी कुछ व्यवस्था करो, अब हम नहीं पढ़ा सकते। तो उसके आंखों में से बहुत आंसू निकलते हैं, वो इतना रोता है अपनी माँ को याद करके और नीचे लिखता है थॉमस एडिसन। वो थॉमस एडिसन वही मूर्ख बच्चा था, वही बुद्धू बच्चा था जो आज इतना बड़ा वैज्ञानिक है। ऐसे ही हर इंसान के अंदर हुनर होता है, बस माचिस की तीली लगाने की देर होती है जिसमें कि वो उसका हुनर बाहर निकाल पाए। तो आप भी अपने बच्चों के अंदर के हुनर को ढूंढो और उनके ऊपर विश्वास करो कि वो आगे जिंदगी में क्या कर सकते हैं, और ऐसे योग्य व्यक्ति को ढूंढो और आप अपनी माचिस की जो तीली होती है उनको लगाओ। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमें अपने बच्चों पे विश्वास करना चाहिए और उनको किस हुनर में निकालना है, किस चीज में आगे बढ़ाना है वो हमें देखना है। क्या हो गया है कि आजकल हमारे पेरेंट्स और बच्चों में इतनी दूरियां बढ़ती जा रही हैं, ये सोशल मीडिया आ गया है, आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ये सब इतने बिजी शेड्यूल हो गया है कि हम एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पा रहे, हम एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं निकाल पा रहे। तो हमें एक टाइम ऐसा बनाना चाहिए कि हम ये जान पाए कि बच्चों की हुनर किस चीज में है। तो हर किसी में योग्यता है, केवल खूबसूरती पे नहीं जाना चाहिए। यदि कोई कम सुंदर है, यदि किसी के कोई हैंडीकैप्ड हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गई है, अब हमें अवनी लेखरा से ही सीखना चाहिए। क्या उनकी रीढ़ की हड्डी में जब चोट लगी थी तो वो इतनी निराश हो गई थी वो एक रूम में बंद होने लग गई थी, लेकिन उनके पापा को विश्वास था कि वो नहीं कुछ कर पाएगी। तो हमें भी जिंदगी से हार नहीं माननी, हमें जिंदगी में कुछ भी निराश नहीं होना, उल्टा जो हमारे में कमी है हमें उसको बाहर निकालना है कि हम इस कमी से हम कैसे ऊंचाइयां छू सकते हैं, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम अपनी जिंदगी से निराश होके हम कुछ भी कर लें, या फिर हम अपना नाम रोशन कर दें। उस कमी को हम किस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, तो हमें वो डायरेक्शन चुनना है, हमें उस कमी को अपने अंदर का हुनर मानना है। तो जिंदगी में कभी हार मत मानो और अपनी योग्यता को समझो। पेरेंट्स को भी ये होना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को समय देके के उनको वो माचिस की तीली लगानी है। इस छोटी सी स्टोरी यदि आपको अच्छी लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और यदि आपने अभी तक मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ना दबाना भूलें, जिससे कि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ज्यादा से ज्यादा जिंदगी में जो भी निराश है या जो भी ये सोचते हैं कि अरे मेरे साथ ये ट्रेजेडी हो गई, हम क्या करें, तो ये वीडियो देखें, इस कहानी से कुछ प्रेरणा लें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। थैंक यू।